एकदम दोस्तों, आज हम बात करेंगे परमवीर चक्र के बारे में। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है, जिसे युद्ध काल के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है। परमवीर चक्र का अनुवाद अंतिम बहादुर का पहिया के रूप में भी किया जाता है, और यह पुरस्कार दुश्मन की उपस्थिति में सबसे विशिष्ट बहादुरी के लिए दिया जाता है। जनवरी 2018 तक ये पदक 21 बार प्रदान किया जा चुका है, जिसमें 14 मरणोपरांत थे और 16 भारत पाकिस्तान संघर्षों में कार्रवाई से उत्पन्न हुए थे। 21 पुरस्कारों में से 20 भारतीय थल सेना से है और एक भारतीय वायुसेना से है। हमारे देश में 21 परमवीर चक्र विजेता हैं। ये लौह से बने पुरुष थे, जिन्होंने हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए अपना सब कुछ बलिदान दिया है। सर्वोच्च और निस्वार्थ बहादुरी के कर्तव्य के साथ उन्होंने देश का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार जीता है। आइए हम जानते हैं उन 21 परम बहादुर वीर योद्धाओं के बारे में। पहले थे मेजर सोमनाथ शर्मा, कुमाऊं रेजिमेंट, 3 नवंबर 1947। दूसरे नायक जादुनाथ सिंह, राजपूत रेजिमेंट, 6 फरवरी 1948। तीसरे थे सेकंड लेफ्टिनेंट रमा राघोबा राणे, बॉम्बे सेपर्स, 8 अप्रैल 1948। कंपनी हवलदार मेजर वीरू सिंह, राजपुताना राइफल, 17 जुलाई 1948। पाँचवें थे लांस नायक करम सिंह, सिंह रेजिमेंट, 13 अक्टूबर 1948। छठवें थे कैप्टन गुरुबचन सिंह सलारिया, गोरखा राइफल्स, 5 दिसंबर 1961। सातवें थे मेजर धन सिंह थापा, गोरखा 8 गोरखा राइफल्स, 20 अक्टूबर 1962। आठवें थे सूबेदार जोगिंदर सिंह, सिख रेजिमेंट, 23 अक्टूबर 1962। नवें थे मेजर सैदान सिंह, कुमाऊं रेजिमेंट, 18 नवंबर 1962। दसवें थे कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, द ग्रेनेडियर्स, 10 सितंबर 1965। ग्यारहवें थे लेफ्टिनेंट कर्नल आदेशिक तारापुर, पूना हॉर्स, 11 सितंबर 1965। बारहवें थे लांस नायक अल्बर्ट इक्का, ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स, 3 दिसंबर 1971। तेरहवें थे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखोने, 18 स्क्वाडन इंडियन एयरफोर्स, 14 दिसंबर 1971। चौदहवें थे लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, पुणे हॉर्स, 16 दिसंबर 1971। पंद्रहवें थे मेजर फौजियार होशियार सिंह दहिया, दी ग्रेनेडियर्स, 17 दिसंबर 1971। सोलहवें थे नायब सूबेदार भाना सिंह, जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, 23 मई 1987। सत्रहवें थे मेजर रमेश स्वामी परमेश्वरन, मेहर रेजिमेंट, 25 नवंबर 1987। अठारहवें थे लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, 11 गोरखा राइफल्स, 3 जुलाई 1999। उन्नीसवें थे ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, द ग्रेनेडियर्स, 4 जुलाई 1999। और बीसवें थे राइफलमैन संजय कुमार, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, 5 जुलाई 1999। और 21वें थे कैप्टन विक्रम बत्रा, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, 7 जुलाई 1999, जिनको ऑपरेशन में विजय करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे और उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगले अंक में हम लोग इन एक एक वीरों के परम वीरों के बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे कि किस तरह से, किस लड़ाई में, किस तरह से उन्होंने दुश्मनों से लोहा लेते हुए ये परमवीर चक्र हासिल किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।